हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता आज आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो इस तरीके के स्वीट के और केक के छोटे बड़े बॉक्सेस हमारे घर में तो यूं ही पड़े रहते हैं, और आज हम इन्हीं बॉक्सेस को यूज़ करके बहुत ही यूज़फुल थिंग्स को बनाने वाले हैं। आज हमारा DIY इसी पे है। हम कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र को बनाएंगे, मैं तो इसमें अपनी ज्वेलरीज़ को रखूँगी। आप अपना देख लीजिए आपको क्या रखना है, आप इसमें अपनी कोई भी छोटी बड़ी चीज़ें रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट DIY। तो हमारे घर में कुछ इस तरीके के बड़े स्वीट के बॉक्सेस होते हैं जिसमें पहले से ही पार्टीशन बने हुए होते हैं। बस आपको सिंपली इन्हें क्लीन कर लेना है, देन आप अगर चाहें तो इनसे बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र क्रिएट कर सकते हैं जो हम ऑनलाइन वेबसाइट से बहुत महंगे महंगे प्राइस पे ख़रीदते हैं। बस आपको करना क्या है, एक स्केल लीजिए और अपने इन डिवाइडर्स के जितने स्पेस हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ इसी तरीके के कार्डबोर्ड के पीसेस, उनको उनकी विड्थ और उनकी लेंथ को देखकर आप कट कर लीजिए। ये देखिए, इन्हें यूज़ करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप सिंपली इन्हें ऐसे प्लेस कर दीजिए अपने डिवाइडर्स के बीच में। आप चाहें तो इस तरीके से भी सिंपली प्लेस करके एक बहुत अच्छा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें हॉट ग्लू या फिर फेविकोल की हेल्प से परमानेंट फिक्स कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं यहाँ इसे ऐसे ही यूज़ करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी कई बार हमारी ज्वेलरियाँ कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, तो उनकी साइज़ में इन्हें अलग अलग रखने से बेहतर होगा कि हम उन्हें एक ही कंपार्टमेंट में ईजिली रख सकते हैं, अपने ज्वेलरी के अकॉर्डिंग इसे फिक्स कर सकते हैं, इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आप अपना अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए कि आपको फ़िक्स रखना है या फिर ऐसे रखना है। और रही बात इस बॉक्स के लिड की, तो ऑलरेडी ये काफ़ी खूबसूरत सा लिड है, बस इस पर उसकी दुकान का नाम लिखा हुआ है। तो हम उसे हटाने के लिए गोल्डन एक क्रेली कलर से हम इसे पेंट कर लेते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि इस लिड पर ऑलरेडी काफ़ी हैवी वर्क का डिज़ाइन हो रखा है, तो अगर हम इसमें कुछ ज़्यादा कलाकारी करते हैं तो वो दिखने में कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा। तो मैंने इसे सिंपली गोल्ड पेंट करके, और मेरे पास एक ये वेडिंग कार्ड का लीफ पे गणपति जी बने हुए हैं, मैं उसे इसे फेविकोल की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। देन मैं इन्हें इसे एक ग्रीन 3D आउटलाइनर की हेल्प से डॉट डॉट करते हुए थोड़ा सा आउटलाइन करके इसे एक डेकोरेटिव लुक प्रोवाइड कर दिया है। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी बॉक्स का डिज़ाइन काफ़ी हैवी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से आपको बहुत छोटी छोटी डिटेल देने की कोशिश करती हूँ, बट अगर मुझसे कुछ रह जाता है और आपको समझ में नहीं आया, आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करने के बाद हमारा बॉक्स पूरी तरीके से रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। तो चलिए हम इसमें अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से लग रहा है और इसे यूज़ करना कितना कन्वीनियंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो नेक्स्ट DIY में हम इस तरीके के कुछ छोटे स्वीट बॉक्सेस को यूज़ करने वाले हैं जिसमें किसी भी तरीके का कोई पार्टीशन नहीं होता है, ये प्लेन बॉक्सेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स को यूज़फुल बनाने के लिए मैंने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पेपर के कुछ मोटे रोल बना लिए हैं, और इस बॉक्स में पार्टीशन क्रिएट करने के लिए अपने बॉक्स के चौड़ाई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ दो बड़ी पट्टियाँ और दो छोटी कार्डबोर्ड के टुकड़े को कट करके रख लिया है। अब हम इसे एक वाइट चार्ट पेपर की हेल्प से इसे कवर कर लेते हैं। हमारे सभी
रोल्स और कार्डबोर्ड पीसेस अच्छी तरीके से कवर हो चुके हैं। अभी हम इसे हॉट ग्लू की हेल्प से अपने ज़रूरत के अनुसार इसे एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। मैं इन सभी रोल्स को वन बाय वन करके हॉट ग्लू से स्टिक कर लूँगी। बस स्टिक करते समय आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में आपको थोड़ी सी गैपिंग छोड़ देनी है। देन आप इस बड़े टुकड़े को इस वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप सभी टुकड़े को एक दूसरे के साथ में स्टिक कर दीजिए। जब इन छोटे छोटे जुगाड़ को करने के बाद हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं तो फिर क्यों ना हम इस तरीके के जुगाड़ करके देखें ही। और बचत तो सबको करनी पसंद होती है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। और रही बात इसके लिड की, तो मुझे इसका लिड की डिज़ाइन बहुत पसंद है। हाँ, इसमें नाम वगैरह थोड़े लिखे हैं लेकिन इतना चलता है कौन सा हमें ये बॉक्स बाहर रखना है। अब ये टोटली आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसे किसी अच्छे पेपर की हेल्प से आप इसे भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने अपने इस बॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। आप चाहें तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे पूरा रिंग रखने के लिए या फिर ऐसे पूरी पार्टीशन करके बना सकते हैं। मैंने इसमें रोल्स के अंदर अपने रिंग्स रखे हैं और यहाँ मैंने अपना मांग टीका रखा हुआ है और इसी से सिमिलर एक मैंने सीज फूल और कुछ इयररिंग्स रखे हुए हैं। तो आपको ये वाला DIY कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप सभी वीडियो को देखते तो हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने चूज़ किया है ये एक केक का छोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स। तो इसे हम बस अपनी बेटी के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे थे तो उसने कहा उसके लिए भी कुछ बनाया जाए, तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो चलिए हम अपने देखते हैं कि आप इसे अपने बच्चों के लिए, इवन आप इसे अपने लिए भी यूज़ करने के लिए बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए मैं बस इस बॉक्स को अनफोल्ड कर लूँगी और इसके बाहर के पोर्शन को अंदर और अंदर के पोर्शन को बाहर कर लूँगी। फ्रेंड्स, एक छोटा सा स्टेप फॉलो करने के बाद इस तरीके से हमारा बॉक्स पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इसका आउटलुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसे अंदर पार्टीशन करने के लिए मामा अर्थ का एक बॉक्स और एक ये छोटा बॉक्स और है जो मेरी मशीन का है, तो हम इसे ग्लूगन की हेल्प से इसमें स्टिक कर लेते हैं। अभी मेरे पास एक ये कार्डबोर्ड का रोल पड़ा हुआ है जिसे मैं अपने बॉक्स की हाइट के अनुसार इसे कट कर लेती हूँ। तो मैंने इसे कट करने के लिए कार्डबोर्ड कटर का यूज़ किया है। तो इस तरीके से इसमें दो रोल्स निकल कर आए हैं जिन्हें भी हम हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेते हैं। मैंने इस बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ 3 रोल ही चिपकाए हैं। आप अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग या फिर अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस बॉक्स को पूरी तरीके से और से यूज़ करने वाली हूँ, तो इसके लिड को क्यों छोड़ना। तो मैंने इसके लिड के ऊपर हॉट ग्लू की हेल्प से कुछ रेड कलर के रिबन्स लगा रही हूँ। तो आप देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से मैंने इसमें क्या कलाकारी कर रही हूँ। आगे आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है।
फ्रेंड्स, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इन रिबन की हेल्प से इसमें कुछ लूप्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, इस लूप्स में आप अपने हेयर, बच्चों के हेयर क्लिप्स और छोटे छोटे क्लचेस, उनके जो होते हैं, आप उन्हें बड़े ही आसानी से एक जगह पर रख सकते हैं, जो उनके फेवरेट हों उन्हें बहुत ही आसानी से जिसे मिल जाए और हमें बार बार उन्हें ढूंढना ना पड़े। और अभी हम इसकी एजेस को छुपाने के लिए इसकी एजेस पे भी ये रेड रिबन को ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बॉक्स एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र की तरह अंदर से रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे बाहर से डेकोरेट भी कर लेते हैं। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने सिंपली ग्लू गन से कुछ डॉट्स बनाए हैं। मैं इस बॉक्स को कुछ सिंपल और डिफरेंट लुक देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही क्रिएट किया है। तो चलिए पूरे बॉक्स को रेडी करके मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पूरा बॉक्स चारों तरफ से रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे आगे के स्टेप फॉलो करते हैं। हम इसे ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट करना स्टार्ट करते हैं। पूरी तरीके से पेंट होने के बाद हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो चलिए इसे के आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसे और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ गोल्डन डस्ट पाउडर का यूज़ किया है, जिसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसके सभी बीड्स जो हमने ग्लू गन की से बनाए थे उस पर डैप डैप करते हुए इसे गोल्डन कलर से कलर कर लेंगे। बीडेड को कवर करने के बाद बॉक्स की एजेस को भी हम फिंगर की हेल्प से थोड़ा गोल्डन डस्ट पाउडर से हाईलाइट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा बॉक्स पूरा एंटीक लुक में दिखने लगेगा। इस बॉक्स को देखने के बाद कोई भी नहीं बता सकता कि ये वही पुराना सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है। अब ये बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही यूज़फुल भी है। तो चलिए देखते हैं हम इन्हें इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेट करिएगा अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।